अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल डिलाइटफुल डिशेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मुर्गी के पंजे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चले व्यूअर्स, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक पोट लिया है, ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 4 मीडियम साइज प्याज लिए हमने। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब हम प्याज को निकाल देंगे। प्याज को हमने निकाल दिया है। अब इसी ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। 2 से 3 सेकंड तक सौटे कर लेंगे। अब हम इसमें मुर्गी के पंजे ऐड करेंगे। 1/2 kg मुर्गी के पंजे लिए हैं मैंने। जब मार्केट से लिए थे उसी टाइम पे मैंने साफ करवा के लिए थे। मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे, गर्म पानी से भी मैंने एंड में वॉश किया था। अब हम मैं इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि इसमें जो स्मेल होती है ना वो निकल जाए। कलर चेंज हो चुका है, पंजे हमारे भुन चुके हैं। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। पिसी हुई मिर्ची 1/2 teaspoon, हल्दी 1/2 teaspoon, पाए का मसाला ऐड करेंगे 1/2, अभी ऐड करेंगे 1/2 लास्ट में जब हमारे पंजे गल जाएंगे। मिक्स कर लेंगे 2 से 3 सेकंड तक। हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। बॉयल आ चुका है। अब हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। ढकना ढक कर रख देंगे। 1 घंटे में हमारे पंजे गल जाएंगे। अच्छा जी, 1 घंटा हो चुका है, पंजे हमारे गल चुके हैं। अब ये जो इसमें पानी है वो हम खुश कर देंगे। प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखी थी, अब हम इसमें दही ऐड करेंगे 1 प्याली। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड की हुई प्याज और दही ऐड करेंगे। पाए का मसाला जो हमने रख दिया था स्टार्टिंग में, अब हम वो ऐड करेंगे 1/2। अब हम इसे पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक, अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए। ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर लेंगे। 1/2 कप मैंने पानी ऐड किया है। दम पर रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, सालन हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर लेंगे, हरा धनिया ऐड कर लेंगे। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप सब बनाएं और कमेंट्स में बताएं कि डिश कैसी बनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।